हाँ, एक गलत डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और वहीं पर अगर कुछ राइट डिसीजन, कुछ अच्छे डिसीजन अगर लाइफ में लिए जाएं, तो वहीं पर आपकी ज़िंदगी एक अच्छे मुकाम पर आ सकती है, आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है एक राइट डिसीजन का। वहीं पर डिसीजन दिमाग से लिए जाएं, दिल से लिए जाएं, किससे एडवाइस ली जाए, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं आज। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइफ में हर किसी को ज़रूरत पड़ती है डिसीजन लेने की, एक कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, एक कैरियर ग्रोथ के लिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई लाइफ में कोई डिसीजन बनाते हैं आप, जब भी कोई डिसीजन आप लेते हैं, तो उससे पहले फाइंड अ राइट पर्सन। तो हमें एक उस इंसान से, उस शख्स से एडवाइस लेनी चाहिए जो जो हम डिसीजन बना रहे हैं, तो उस फील्ड का वो मास्टर होना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर उस फील्ड का होना चाहिए, और वो चीज़ें ऑलरेडी उसने लाइक की हैं। आप अगर किसी गलत इंसान से, गलत अपने लाइक किसी भी फ्रेंड सर्कल में, किसी भी गलत शख्स से आप अगर उस कैरियर के रिगार्डिंग एडवाइस लेंगे जिसे नॉलेज नहीं है, तो वो डिसीज़न आपका वहाँ पे गलत रहेगा, वो वहाँ पर आप फेल हो सकते हैं, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर दूसरी बात, आप हमेशा माइंड में ये रखना, जब भी आप कोई डिसीजन बनाते हैं, वो डिसीजन आपके चाहे थोड़ा डिफिकल्ट हो या इंपॉर्टेंट हो लाइफ के, किसी भी तरीके के आपके डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन वो आप राइट डाउन करें। राइट डाउन करने से क्या होगा कि आपको वहाँ पर एक एक साइड में आप निगेटिव और एक साइड में आपकी पॉजिटिव साइड है दोनों लिखने के बाद, तो उसमें आपको दोनों साइडों का पता लग जाएगा, उससे आपको होने वाले नुकसान और होने वाले फायदे दोनों पता लग जाएंगे, जिससे कि आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो कभी भी लाइफ में जब आप डिसीजन लेते हैं, तो ज़्यादा वहां पर जल्दी ना करें, टेक योर टाइम। लाइक वहीं पर तीसरी बात, आप हमेशा माइंड में ये रखें कि वहां पे रीजन फाइंड आउट करें, गेट अ रीजन, लाइक मैं अब ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, ये आप अपने आप से पूछें कि मैं ये डिसीजन अगर बनाने जा रहा हूँ लाइफ में, तो ये डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वहां पर आपको एक रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा एक डिसीजन के लिए। तो इसके, अगर ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तो इसके कैरियर में क्या स्कोप है, क्या कैरियर में मेरे लाइक इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या। वहाँ पर एक रीज़न का होना बहुत ज़रूरी है, जिस रीज़न की वजह से आप लाइफ में कुछ करेंगे। वहीं पर चौथी बात, आप हमेशा माइंड में रखना, जब आप एक अच्छा लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन बनाते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अपनी वैल्यू का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस डिसीजन के बनाने से कहीं ना कहीं मेरी लाइक जो मेरी इमेज है बनी हुई, वो उस पर कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, कोई गलत, या कहीं मेरी वैल्यू में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, लाइक यहाँ पर वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है इस डिसीजन को बनाने से, या मेरी वैल्यू वहाँ पर डाउन हो रही है। तो दैट थिंग यू हैव टू क्लैरिफाई। आपको एक चीज़ और ये देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आप एक जो लाइफ के रिगार्डिंग आप डिसीजन बना रहे हैं, तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू वहाँ पर ऐड हो रही है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर क्लैरिफाई करें। सो आई होप यू गाइज के इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, एक अच्छा डिसीजन आप बना सकते हैं लाइफ के रिगार्डिंग। तो होप यू गाइज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।